हेलो फ्रेंड्स, दिस इज मैनदेया एंड वेलकम टू आवर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज फंक्शन का पार्ट टू करते हैं अपन, ठीक है। कल तक अपन ने फंक्शन का ये कर लिया था, ठीक है ना। यहाँ तक अपन ने फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन कर लिया था, ये वाला पार्ट कर लिया था, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ फंक्शन ये अपन ने कंप्लीट कर लिया था, ठीक है। और आज अपन करते हैं सिग्नम फंक्शन, सिग्नम फंक्शन, ठीक है रुद्र। सिग्नम फंक्शन देखो, सिग्नम फंक्शन को बेसिकली कैसे लिखता है, इसको लिखते हैं एस जी एन, राइट। और ये एक्स, इसका फॉर्मूला होता है मॉड एक्स अपॉन एक्स, ठीक है, मॉड एक्स अपॉन एक्स होता है। अब आपको पता है कि मॉड की प्रॉपर्टी क्या बताई थी अपन ने, कि मॉड के अंदर वाला पॉजिटिव तो मॉड हट जाता है, मॉड के अंदर वाला जीरो तो जीरो हो जाता है, और मॉड के अंदर वाला नेगेटिव तो माइनस आ जाता है, ठीक है। तो आपको बेसिकली ध्यान रखना, जब अगर एक्स पॉजिटिव होगा तो आपका मॉड एक्स क्या बन जाएगा, एक्स बन जाएगा, क्या बन जाएगा, एक्स। उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, उस कंडीशन में मॉड एक्स अपॉन एक्स, तो ये एक्स बन जाएगा, तो एक्स अपॉन एक्स कितना आ गया, वन आ गया, तो ये वन हो जाएगा। इसी टाइप से जब एक्स इक्वल टू जीरो होगा तो सिंपल से जीरो आ जाएगा, और अगर एक्स लेस देन जीरो होगा तो आपको पता है मॉड एक्स क्या बन जाएगा, माइनस एक्स बन जाएगा। उस कंडीशन में आपका मॉड एक्स अपॉन एक्स ये हो जाएगा माइनस एक्स अपॉन एक्स, मतलब माइनस वन, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ, अगर इसके अंदर x पॉजिटिव होगा तो इसकी वैल्यू 1 आएगी, जब x 0 होगा तो इसकी वैल्यू 0 आएगी, और x नेगेटिव होगा तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, माइनस 1 आएगी, ठीक है ना। तो अपन इसको याद कर लेते हैं, अपन बहुत काम की चीज है, जब भी x पॉजिटिव होगा तो इसकी वैल्यू सीधे 1 आएगी, जब भी x 0 होगा तो इसकी वैल्यू 0 आएगी, और x नेगेटिव होगा तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, माइनस 1, ठीक है। जैसे कि देखो, अगर वो पूछे कि सिग्नम 1/2 की वैल्यू क्या आएगी, तो सीधा बोलना है 1, क्योंकि अंदर वाला क्या है, पॉजिटिव, राइट। तो ये ठीक है, इसी टाइप से बोलो सिग्नम -4.2 नेगेटिव कितना बोलना है, -1। कोई अपन बोलते हैं कि सिग्नम, अपन बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर 2.3, तो 2.3 कितना था, 2 होता है, तो 2 का वापस कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्लियर। तो इस तरीके से और अपन देख लें एग्जांपल, एक क्वालिटी वाला देख लेते हैं, तो क्वालिटी में बताऊंगा आपको पूरी अच्छी तरह से, अभी फिलहाल थोड़ा समझ लेते हैं। मैंने आपको बताया कोई भी क्वालिटी का तो कंसेप्ट समझ लीजिए, पहले नोट कर लीजिए, ठीक है ना। नोट थोड़ा फटाफट करना, देखो सब बच्चे फटाफट नोट करेंगे, ठीक है, जल्दी जल्दी फास्ट फास्ट ना, तो ऑनलाइन भी चल रहा है वीडियो, फटाफट नोट करना है। अभी मैं क्वालिटी का कंसेप्ट बताता हूँ आपको, कि क्वालिटी आने पे क्या करेंगे। ये क्वेश्चन आया हुआ है, ध्यान रखना, ठीक है, बहुत सारे कॉम्पिटिशन में क्वेश्चन आया हुआ है, तो मैं बताता हूँ क्या होता है। बच्चों ऐसे करना, यूट्यूब पे वीडियो देख लेना वापस, ठीक है, फिर नोट कर देना ना, ज्यादा सही रहेगा, नहीं तो अपना बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। आप बस समझते रहो, ठीक है, लाइव भी बच्चे देख रहे हैं तो इसका थोड़ा सा फटाफट करते रहो ना। चलो देखो, मैं बता रहा था अगर सिग्नम लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 9, तो इसकी वैल्यू क्या होगी। देखो एक चीज याद रखना, क्वालिटी क्वालिटी इक्वेशन क्या होती है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। जब अपन ढंग से क्वालिटी इक्वेशन पूरी पढ़ेंगे तब उसको डिटेल में पढ़ेंगे, अभी फिलहाल का ध्यान रखना है कि कोई भी क्वालिटी होती है ना, उसका अगर डी लेस देन 0 होता है तो उसके रूट्स कैसे होते हैं, उसके रूट्स होते हैं इमेजिनरी, क्या होते हैं, इमेजिनरी, राइट, रूट्स होते हैं उसके इमेजिनरी। अब इसमें दो कंडीशन होती है, तो डी ग्रेटर देन 0। अब एक चीज याद रखना कि अगर आपका डी ग्रेटर देन 0 हो और ये जो ए है, ए राइट कोएफिशिएंट, ये पॉजिटिव हो, तो कोई भी क्वालिटी क्या होती है, हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव होती है, राइट, ये ध्यान रखना है। देखो मैं इसका एक एग्जांपल देता हूं, जैसे मान लो आपको मैं एग्जांपल दूं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 5, क्लियर। अब इसका ए की बात करें तो ए तो कितना है, 1, विच इज पॉजिटिव, और डी की बात करें तो बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू 5, मतलब कितना हुआ, माइनस 19, विच इज नेगेटिव। अब आप देखो इसमें ट्राई करना, आप इसमें एक्स की वैल्यू 1 रखो, माइनस 1 रखो, 2 रखो, 5 रखो, 10 रखो, 15 रखो, कुछ भी वैल्यू रखोगे, ये वैल्यू हमेशा, जैसे सपोज किसने बोला है सर माइनस 2 रखो, तो माइनस 2 रखो तो उसका कितना आएगा, 4 माइनस 2 प्लस 5, मैंने इसमें रखा, ठीक है बच्चों, तो कितना आ जाएगा, 9 और 7, इसका मतलब वैल्यू क्या आ रही है, पॉजिटिव आ रही है, हमेशा पॉजिटिव आएगी। तो ये केस हमेशा याद रखेंगे कि जब भी d लेस देन 0 है और a ग्रेटर देन 0 है तो ये क्वालिटी हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव होती है। ऐसा एग्जांपल नेगेटिवली भी ध्यान रखोगे क्या, कि कोई भी क्वालिटी नेगेटिव कब होती है आपसे पूछे, तो नेगेटिव होती है जब उसका a लेस देन 0 हो और d लेस देन 0 हो, ये भी ध्यान से नोट कर लेना। देखो मैं भी इसका एग्जांपल देता हूं, जैसे मान लो ऐसा एग्जांपल है x माइनस 5, इसका आप a देखोगे तो क्या दिया हुआ है, माइनस 1 विच इज नेगेटिव। अच्छा d की बात करें तो d भी क्या है, नेगेटिव, दोनों नेगेटिव है। तो देखो अब इसके अंदर कोई भी वैल्यू पुटअप करके देखना, आप लोग देखना, तो ये हमेशा क्या आएगा, नेगेटिव, आप चाहे माइनस वन रखो, माइनस टू रखो, माइनस टेन रखो, कुछ भी रखो, राइट। तो ये दोनों केस आपको ध्यान रखना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, क्लियर, ठीक है।
चलिए तो अभी क्वेश्चन क्या होगा नोट कर लीजिए। तो कहने का मतलब ये, अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो क्या करना, देखो तो अब ऐसा हुआ कि इस क्वालिटी को देखते हैं, इसका ए क्या है पॉजिटिव है, डी निकालते हैं, डी क्या होता है बेसिकली बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, बी कितना होगा 16 माइनस 4 इंटू 9, तो ये हो गया 16 माइनस 36 मतलब माइनस 20 विच इज नेगेटिव। अब नेगेटिव और पॉजिटिव, ये ए पॉजिटिव और डी नेगेटिव, अभी केस बताया था किसी क्वालिटी का अगर ए पॉजिटिव हो और डी नेगेटिव हो तो हमेशा क्या होती है पॉजिटिव होती है, इसका मतलब ये वाली वैल्यू क्या है, ये ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू है। तो अगर ऑलवेज पॉजिटिव, तो मैंने भी आपको बताया सिग्नम के अंदर अगर कोई पॉजिटिव होगा तो उसका आंसर कितना आएगा 1 आएगा, क्या आएगा 1, क्लियर। ऐसे मैं आपको एग्जांपल दूं, ऐसे क्वेश्चन पूछूं सिग्नम माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 7, इसका आंसर क्या आएगा। देखो ज्यादातर ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये दोनों मैंने पहले बार केस बताया ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, इसका ए क्या दिया है नेगेटिव, अब इसका डी निकालते हैं, डी आएगा 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू माइनस 1 माइनस 7, कुछ भी आएगा लेकिन नेगेटिव आएगा। तो अगर ये नेगेटिव आ रहा है इसका मतलब सिग्नम के अंदर ये पूरा क्या होगा नेगेटिव, ये आपका नेगेटिव हो गया। तो सिग्नम के अंदर अगर नेगेटिव कोई चीज आ रही है तो नेगेटिव की वैल्यू क्या होती है माइनस 1, क्लियर है। तो बस सिग्नम में क्या ध्यान रखना है, अगर आप जीरो रखोगे तो जीरो आएगी, पॉजिटिव रखोगे तो 1 आएगा, चाहे सिग्नम 100 की वैल्यू पूछे या सिग्नम 50 की वैल्यू पूछे, सिग्नम 10 30 की वैल्यू पूछे, कुछ भी पॉजिटिव होगा तो इसकी वैल्यू क्या आएगी 1। बेसिकली तीन वैल्यू पॉसिबल है, एक तो 0, एक माइनस 1 और एक 1, क्लियर, ठीक है। चलिए तो ये था सिग्नम, अब इस ग्राफ के बारे में बात करें, देखो ग्राफ के बारे में बात करें तो सिग्नम एक्स का ग्राफ कैसे बनेगा, देखो सिग्नम एक्स का फॉर्मूला क्या होगा मॉड एक्स अपॉन एक्स, और बेसिकली तीन वैल्यू देता है, कब जब 1 कब देगा पॉजिटिव पे, 0 कब देगा 0 पे, और माइनस 1 कब देगा जब नेगेटिव, राइट। तो ये तीनों वैल्यू देता है, तो इसका ग्राफ बनेगा कैसे बनेगा, देखो सिंपल सा ग्राफ है, 0 पे 0 यहां बना लो 1 और यहां बना लो माइनस 1, तो 0 पे तो क्या देगा 0, 0 से थोड़ा बड़ा चलते का क्या देगा 1 देगा, 0 से थोड़ा छोटा चलते क्या देगा माइनस 1 देगा। तो बेसिकली ग्राफ क्या होता है इसका ऐसा होता है, और ये फंक्शन है कि नहीं है तो कैसे करेंगे बच्चों, y एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे, अगर ये ग्राफ को एक बार कट करती है तो फंक्शन होगा, और एक से ज्यादा बार कट करती तो फंक्शन नहीं होगा, क्लियर। तो ये फंक्शन के टाइप थे कि भाई कौन कौन से फंक्शन होते, तो बेसिकली मेनली अपन ने, चलिए नेक्स्ट मेथड पढ़ते हैं अपन वेविकर मेथड, ठीक है। तो वेविकर मेथड होता क्या, देखो जैसे कोई फंक्शन ए से बी में डिफाइन है ना, तो वो ए क्या होती है आपकी डोमेन होती है, अरे नोटबुक निकालो सब लोग, ठीक है, बी क्या होती है कोडोमेन, और एक होता है रेंज, मैंने आपको एक एग्जांपल बताया था, ठीक है ना, रेंज क्या होती है डोमेन क्या होता है कोडोमेन क्या होता है। अब देखो बेसिकली क्या है, डोमेन रेंज और ये कोडोमेन जो होती है ना वो तो क्वेश्चन गिवन होती है, डोमेन और रेंज जो होती है अपन को निकालनी पड़ती है, राइट। क्वेश्चन के अंदर अपन को जैसे क्वेश्चन दे देगा कि इसकी डोमेन निकालो या इसकी रेंज निकालो, तो वो बेसिकली कैसे निकालते हैं, ठीक है, उसके लिए स्पेशली मेथड बना है वेविकर मेथड। ये जो मेथड है वो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर ये नहीं आएगा आपको तो समझ लो कैलकुलस में कुछ भी नहीं आएगा, आप कुछ भी नहीं कर सकते ना, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग मैक्सिमम मिनिमम कुछ भी नहीं कर सकते, राइट। तो ये सारे एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, 86 एग्जाम में बेसिकली, ये तो आपको ध्यान रखना है कि वेविकर मेथड क्या होता है, ठीक है, सही है, हाँ। तो वेविकर मेथड पढ़ते अपन, तो बेसिकली ये मेथड किस काम आता है, ये मेथड अपन को बेसिकली डोमेन रेंज मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू सब कुछ फाइंड करने का काम आता है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले देखो अगर मैं सिंपल से बोलूं, सबसे पहले मैं आपको बेसिक से बताता हूं, ब्रैकेट का मतलब बताता हूं, जैसे कि आपको सिंपल से मैं बोलूं कि x की वैल्यू जो है 2 से बड़ी और 5 से छोटी, राइट, तो इसको अपन ऐसे ब्रैकेट में लिखते हैं, देखो 2 5 क्लोज ब्रैकेट, इन क्लोज ब्रैकेट का मतलब ये होता है कि 2 और 5 जो है वो भी इंक्लूड है और एलिमेंट्स बिटवीन 2 एंड 5 इज आल्सो इंक्लूडेड। जैसे मैं यहां पर बोलूं 2.1 इज इंक्लूडेड, राइट, 2.1 होगा क्योंकि 2.1 इसके बीच में आ रहा है, तो बेसिकली अपने यहाँ पर क्लोज ब्रैकेट लगाया, तो मैंने यहाँ पर साइन कौन सी यूज किए, मैंने साइन ये वाला यूज किए, तो आपको याद रखना है कि जब भी इस टाइप के साइन आएंगे तो आपको ये वाला ब्रैकेट यूज करना है, क्लियर। नेक्स्ट बात करें, अगर मैं बोलूं आपको 2x5 ये बात करूं, तो देखो 2x5 इसका मतलब अब इसमें कौन सा ब्रैकेट यूज करेंगे, ये वाला करेंगे, देखो यहाँ पर क्या है 2 और 5 इंक्लूड नहीं है ना, तो इस ब्रैकेट को ऐसे पढ़ते हैं कि 2 एंड 5 इज नॉट इंक्लूडेड बट एलिमेंट्स बिटवीन 2 एंड 5 इज इंक्लूडेड, राइट। तो ये वाला ब्रैकेट कब यूज करेंगे, तो ये वाला ब्रैकेट यूज करेंगे, देखो ये वाला, ठीक है ना, तो ध्यान रखना जब भी इंक्लूड नहीं होगा तो ये वाला ब्रैकेट यूज करेंगे, और जब इंक्लूड होगा तो ये वाला ब्रैकेट यूज करेंगे। अगर एक गलत ब्रैकेट लगा दिया, एक रॉन्ग ब्रैकेट लगा दिया आपने, तो आपका क्वेश्चन पूरा गलत है, ध्यान रखना। चारों ही क्वेश्चन एक जैसे होंगे, चारों ऑप्शन 1 से 2 दिया होगा, क्लोज में दिया होगा, ओपन में दिया होगा, तो आपको पहचानना है कि आपका आंसर कौन सा राइट है, ठीक है। थर्ड ब्रैकेट की बात करें, अगर ऐसा दिया हो x = 2 और 5 ऐसा दिया हो,
तो अपन इसमें बेसिकली ए वाला ब्रैकेट यूज करते हैं, राइट। इसका मतलब क्या होता है, ओनली 2 एंड 5 एलिमेंट्स बिटवीन 2 एंड 5 आर नॉट इंक्लूडेड, सिर्फ 2 और 5 इंक्लूडेड है, क्लियर है, ठीक है। तो ये वाला ब्रैकेट यूज करते हैं। कई बार ऐसा रहता है 2x 5, तो आपको याद रखना है इसके अंदर देखो 2 तो इंक्लूड है लेकिन 5 नहीं है, तो आपको ऐसे पढ़ना है 2 इंक्लूड 5 नहीं है, क्लियर। और लास्ट इनफाइनाइट और माइनस इनफाइनाइट, ये हमेशा क्या होता है, इसको अपन कभी भी इंक्लूड नहीं करते, माइनस इनफाइनाइट और इनफाइनाइट, इसका भी हमेशा अपन माइनस इनफाइनाइट इनफाइनाइट ऐसे ही लिखेंगे, मतलब इसका अगर अपन क्लोज ब्रैकेट कभी यूज नहीं करेंगे, हमेशा कौन सा यूज करेंगे, ओपन ब्रैकेट, क्लियर। तो ये था ब्रैकेट का मतलब। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। देखो आपको सिर्फ समझना है, ठीक है ना, और वीडियो वापस गजा कर देख लेना एक बार, ठीक है, वापस क्लियर हो जाएगा, नोट कर लेना उसको। चलो जस्ट सपोज मान लो क्वेश्चन ऐसे दिया हुआ है x माइनस 2 ग्रेटर देन 0 ना, और आपको पूछा कि x का इंटरवल क्या होगा, तो बहुत सिंपल है। देखो क्या करना, सबसे पहले वेविकर बोलते हैं, सिंपलेस्ट एग्जांपल है, ठीक है, आज अपन सिर्फ वेविकर की बात करेंगे। तो बेसिकली क्या करना है, सबसे पहले एक तरफ आपको राइट हैंड में ना, राइट हैंड में क्या करना है, जीरो बनाना है, जीरो बना हुआ है ऑलरेडी, अगर नहीं है तो क्या करेंगे, साइड टर्म को यहां लेके जाकर जीरो बनाएंगे, क्लियर, अभी जीरो बना हुआ है। अब क्या करना है, जो ये फैक्टर है इसको जीरो करो, तो यहां से आपको x की वैल्यू क्या मिलेगी, 2 मिलेगी, क्या मिलेगी, 2, राइट है, ठीक है, 2 यहां रख दिया। अब यहां पर क्या करना है, माइनस इनफाइनाइट रखना है, यहां पर इनफाइनाइट रखना है, ठीक है, माइनस इनफाइनाइट। अब देखो स्टार्ट कहां से करना है, स्टार्ट करना है प्लस यहां से, माइनस यहां से, क्लियर, प्लस फिर माइनस, ठीक है। अब देखो अगर इसकी तरफ माउथ ओपन है, मतलब इसकी तरफ मुंह खुला हुआ है, तो इसका मतलब क्या लाना है, अपन को पॉजिटिव लाना है, और इसकी तरफ अगर मुंह बंद है तो क्या लाना है, नेगेटिव लाना है। तो अभी बेसिकली क्या है, इसकी तरफ मुंह खुला हुआ है, ठीक है, तो अपन को पॉजिटिव लाना है। क्या ये इंक्लूड करना है, नहीं करना, क्योंकि इसमें ये वाला ब्रैकेट नहीं आया है, तो अपन क्या बोलेंगे, 2 से लेकर पॉजिटिव वाला पार्ट लाना है, मतलब इसकी तरफ माउथ ओपन है तो पॉजिटिव। तो फाइनल इसका आंसर कितना आ जाएगा, 2 से लेकर इनफाइनाइट, ठीक है, क्लियर। सेकंड, जैसे मान लो ऐसा क्वेश्चन है, देखो x माइनस 2 x माइनस 3 लेस देन 0, तो आप बेसिकली अब इसको लिखोगे तो क्या आएगा, माइनस इनफाइनाइट इनफाइनाइट। देखो यहां से 0 करोगे तो क्या आएगा, 2, इसको 0 करोगे तो कितना आएगा, 3, बेसिकली यहां पर 0 बना हुआ है, आपका काम आसान हो गया, ठीक है। अब देखो यहां से यहां जाने, माइनस इनफिनिट से इनफिनिट जाने में वैल्यू बढ़ रही है, कम हो रही है, ऑब्वियसली बढ़ रही है ना, माइनस इनफिनिट से आप इनफिनिट जा रहे हो, वैल्यू बढ़ रही है। अब यहां से देखो 2 आया 3 आया, तो पहले कौन सा रखे हैं, तो सबसे पहले जो छोटा होगा उसको पहले लिखना है, बड़ा होगा उसको बाद में लिखना है, मतलब नंबर व्हिच इज लेस लेस होगा उसको पहले लिखना है। तो 2 को यहां लिखना है, 3 को यहां लिखना है, क्लियर है। अब स्टार्ट यहीं से करना है, प्लस माइनस प्लस। तो इस बार ये एक्सप्रेशन आपको क्या चाहिए, नेगेटिव चाहिए, क्या चाहिए, नेगेटिव, माउथ क्लोज है सिर्फ, तो नेगेटिव मतलब अपन को ये वाला एरिया चाहिए, ये वाला एरिया नहीं चाहिए मुझे। तो इस बार मेरा आंसर क्या होगा, 2 और 3। तो साथ ही ये वाला ब्रैकेट मैंने क्यों लगाया, क्योंकि ये दोनों क्या है, इंक्लूड नहीं है, राइट है, ठीक है, क्लियर। रफ करते हैं इसको, तो पांच क्वेश्चन में और इजी रहता हूं, फिर धीरे धीरे अपने हार्ड क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सपोज ऐसा क्वेश्चन दिया हो x स्क्वायर और अपन को दिया हो माइनस 4x माइनस 3 करना है इसको, ठीक है ना, ये क्वालिटी आ गया। सबसे पहले क्या करेंगे, एक तरफ जीरो बनाना है, सबको देख चल जाओ x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 लेस देन 0, क्लियर है, मेरी बात समझ मारिए। अब इसके फैक्टर कर लो, फैक्टर क्या आएंगे, x प्लस 3 x प्लस 1 लेस देन 0, और इसको क्या करो आप ले लीजिए माइनस इनफाइनाइट इनफाइनाइट। देखो इसको जीरो करो कितना आएगा, माइनस 3, इसको करो कितना आएगा, माइनस 1, कौन सा नंबर छोटा है, माइनस 3, फिर बड़ा कौन है, माइनस 1, प्लस माइनस प्लस, राइट। अपन क्या चाहिए, इस एक्सप्रेशन क्या चाहिए अपन को, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव चाहिए ना, क्योंकि इसके तरह मूव तो नेगेटिव चाहिए, तो क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव हो गया, तो आंसर क्या हो गया, माइनस 3 से लेकर माइनस 1, क्लियर, ठीक है। और लेकर चलो देखो ऐसा क्वेश्चन देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 9 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। देखो यहां पर एक्स स्क्वायर, इसका मतलब क्या हुआ, रूट्स दो आएंगे, जितनी हाईएस्ट पावर होती है उतनी रूट्स आते हैं, राइट है, यहां पर हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 है, तो इसके रूट्स 2 आएंगे। तो इसको सबसे पहले से लिखो, देखो एक्स स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर ग्रेटर देन 0, अब इसको लिखो एक्स माइनस 3 एक्स प्लस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्लियर। अब इसको क्या करोगे, बना दो ये भी करो माइनस इनफिनिट से इनफिनिट, माइनस 3 3 प्लस माइनस प्लस, ओके। तो देखो इस बार इंक्लूड करना है, तो इंक्लूड करना मतलब कौन सा वाला पार्ट लेना है, प्लस वाला पार्ट लेना है, प्लस वाला, क्योंकि इसकी तरफ माउथ ओपन है, राइट। तो आप बोलोगे सर इनफाइनाइट का आगे वाला ब्रैकेट कभी लगाएंगे, ध्यान रखना इनके आगे लगेगा, इनके आगे इस टाइप का ब्रैकेट, तो इसका आंसर कितना आ गया, ये आंसर आ गया, क्लियर है, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं और ले लेता हूं, देखो नीचे देखो ऐसा क्वेश्चन दे दिया आपको, x माइनस 2 x माइनस 3 x माइनस 4 x माइनस 5 और आपको दे दे लेस देन इक्वल टू 0, ठीक है।
बहुत ही आसान है, माइनस इन्फिनिटी बनाओ, यहाँ इन्फिनिटी, इसको जीरो किया कितना आएगा टू, इसको किया कितना आएगा थ्री, इसको किया कितना आएगा फोर, इसको फाइव, फिर वही टू थ्री फोर फाइव, स्टार्ट यहीं से करना है, प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस फिर प्लस। कैसे, ये नेगेटिव वाला क्वेश्चन कहाँ कहाँ नेगेटिव आ रहा है, इसके बीच में नेगेटिव आ रहा है, इसके बीच में नेगेटिव आ रहा है, क्या ये इंक्लूड करना है, नहीं करना है, तो आंसर क्या हो जाएगा, टू से थ्री यूनियन, इसको क्या बोलते हैं, यूनियन, दो इंटरवल करके करते हैं, यूनियन लगाते हैं, ठीक है, क्लियर। चलिए, अरे वीडियो भेजा को आप तो देख लेना, क्लियर सार्थक, हाँ हाँ ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन तुम दो, पांच छह क्वेश्चन और करता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 25 और ये दिया एक्स स्क्वायर माइनस 9, ये दिया लेस देन इक्वल टू, ठीक है, धीरे धीरे हार्ड चलता है, तो ये क्या आएगा, एक्स माइनस 5 एक्स प्लस 5, सही बनना है ना, ठीक है, लेस देन जीरो, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस इनफाइनाइट और इनफाइनाइट, देखो इस बार क्या आएगा, तो 5 आएगा माइनस 5 आएगा, 3 आएगा माइनस 3 आएगा, तो पहले कौन सा लिखेंगे बताओ, पहले लिखेंगे माइनस 5, उसके बाद माइनस 3, उसके बाद 3, उसके बाद 5, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, अपन को क्या चाहिए, नेगेटिव चाहिए, ठीक है, क्योंकि इसकी तरफ बहुत क्लोज है, तो नेगेटिव चाहिए, तो अपन क्या करना पड़ेगा, नेगेटिव वाला क्वेश्चन लेना पड़ेगा, क्या इंक्लूड है, बिल्कुल इंक्लूड है, तो इक्वल का साइन आ गया, ये वाला साइन आ गया, इंक्लूड करना है तो इंक्लूड हो गया, तो आपका फाइनल आंसर कितना हो गया, माइनस 5 से माइनस 3 यूनियन 3 से 5, क्लियर, बात समझ आ रही है, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखते हो, सपोज ऐसा क्वेश्चन आ जाए, एक्स स्क्वायर माइनस 25 और एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 आ गया, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू, देखो यहां से भी 2 मिलेंगे, यहां से भी 2 मिलेंगे, पहले इसको सॉल्व कर लो, इसको मैं लिख सकता हूं ना भाई 5 का स्क्वायर, तो अभी बताया मैंने x माइनस 5 x प्लस 5, इसके फैक्टर करोगे क्या आएगा, इसके फैक्टर करो तो क्या आएगा, x प्लस 4 x प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, अब देखो इसको 0 करो कितना आएगा 5, इसको करो कितना आएगा माइनस 5, इसको करो कितना आएगा माइनस 4, इसको करो कितना आएगा माइनस 1, सबसे छोटा कौन सा है बेटा, माइनस 5 देन माइनस 4 देन माइनस 1 देन 5, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, अपन को ये एक्सप्रेशन क्या चाहिए, ग्रेटर देन चाहिए, मतलब पॉजिटिव चाहिए, पॉजिटिव कहाँ आ रहा है, यहाँ से पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है, और ये वाला क्वेश्चन आ रहा है, तो फाइनल आंसर कितना आ गया, माइनस इनफिनिटी माइनस 5 यूनियन माइनस 4 से माइनस 1 और यूनियन 5 से इनफिनिटी, तो ये क्या था, ये बेसिक क्वेश्चन थे, सिंपल से, ठीक है सचिन, ठीक है क्लियर, तो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं अपन, अब थोड़ा धीरे धीरे क्वेश्चन अपन हार्ड लेंगे, चलो देखो ये तो बहुत सिंपल से क्वेश्चन हो गया, क्लियर। अच्छा देखो अब एक चीज मुझे बताओ, देखो कुछ कंसेप्ट करते हैं अपन, एक चीज मुझे बताओ, 5 बड़ा होता है 3 बड़ा होता है, 5 बड़ा होता है, अब अगर मैं नेगेटिव से मल्टीप्लाई करता हूँ दोनों को, इसको भी करता हूँ इसको भी करता हूँ, तो क्या आएगा, माइनस 5 और माइनस 3, अब कौन बड़ा है, माइनस 3 बड़ा है, तो इसका मतलब ये हुआ, ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं किसी भी इनइक्विटीज को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करूंगा तो उसका साइन क्या होगा, चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, जैसे मैंने इसको माइनस से किया, इसको माइनस, अच्छा अगर मैं माइनस को वापस मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा, इसको अगर मैं फिर से माइनस से करूं तो फिर वापस क्या हो जाएगा, 5 आएगा और फिर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, फिर साइन चेंज हो गया, इसका मतलब क्या हुआ, नेगेटिव से अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो साइन क्या होगा, हमेशा चेंज होगा, और जितनी बार करोगे, जैसे कि मान लो आपने एक बार माइनस से किया तो एक बार साइन चेंज होगा, दो बार किया तो वापस होगा, तीन बार किया वापस होगा, जितनी बार आप करोगे माइनस का साइन साइन चेंज करेगा इनइक्वलिटी का, ठीक है क्लियर। सेकंड बात यह है कि आपको जब भी इनइक्वलिटी दी होगी तो उसके अंदर जो हाईएस्ट पावर होगी उसको हमेशा क्या करना है, आपको पॉजिटिव बनाना, क्या करना है, पॉजिटिव, अगर वो नेगेटिव दी हुई है तो उसको नेगेटिव से, पूरी इक्वेशन को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करोगे और साइन चेंज करोगे, राइट, जैसे फॉर एग्जाम्पल देखो एक एग्जाम्पल करते हैं, तीन चार, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे ऐसे दिया जाए 5 माइनस एक्स स्क्वायर 25 लेते हैं और ये दिया हुआ है, इसको सॉल्व करना है, तो देखो सबसे पहले दिमाग में आना चाहिए कि हाईएस्ट पावर कौन सी है, एक्स स्क्वायर, ये क्या दी हुई है, नेगेटिव में दी ना, इसको बनाना पड़ेगा पॉजिटिव, तो क्या करोगे, टोटल इक्वेशन को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करोगे, जैसे नेगेटिव से करोगे तो ये क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1, नेगेटिव से करते क्या करना पड़ेगा, साइन चेंज करना पड़ेगा, अब इसके फैक्टर कर लो, एक्स माइनस 5 एक्स प्लस 5 और ये क्या हो गया, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, अब पहले की तरह सॉल्व करना है, बस ये छोटा सा कंसेप्ट ध्यान रखना है, तो ये जाएगा माइनस 5 5 प्लस माइनस प्लस, तो ये हो गया, ठीक है क्लियर, तो यहां से क्या आ जाएगा, माइनस इनफिनिटी से माइनस 5
सॉरी यूनियन फाइव से इंक्लूड आएगा, ठीक है ना। जैसे क्वेश्चन सपोज ऐसा दे दे आपको, आपको दे दिया 6 - x² - 5x और ये दे दिया आपको लेफ्ट में, ठीक है, और इसको सॉल्व करना। तो देखो हाईएस्ट पावर क्या आगे वापस नेगेटिव आ गई, तो फिर आपको नेगेटिव से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और नेगेटिव से करोगे तो देखो जो ये नेगेटिव वाले वो पॉजिटिव हो जाएंगे, ठीक है, -6 हो जाएगा ये, और ये क्या हो गया ग्रेटर देन हो गया। कैसे सॉल्व करोगे इसको, x² + 6x - x - 6 ग्रेटर देन 0, तो ये आएगा आपका x + 6 और x - 1 ग्रेटर देन 0, ठीक है। और फिर आप क्या करोगे माइनस इनफिनिट से इनफाइनाइट, तो ये हो जाएगा आपका -6 और 1 +-+, ओके। आपको चाहिए पॉजिटिव, तो ये वाला पॉजिटिव, ठीक है, तो आंसर हो जाएगा माइनस इनफिनिट से -6 यूनियन 1 से इनफिनिटी। क्या सबको क्लियर हो रहा है ये सब चीजें, ठीक है। तो ये अपन नेगेटिव वाला रूल देख लिया, तो नेगेटिव में आपको ध्यान रखना है कि नेगेटिव हमेशा क्या होगा साइन चेंज होगा। देखो एक अच्छा क्वेश्चन कर देता हूं, जैसे सपोज x - 5 x - 10 और दिया हुआ 3 - x है ना ग्रेटर देन 0 दिया हुआ। देखो ये तो पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, लेकिन ये वाला क्या दिया है नेगेटिव, इसको क्या करना पड़ेगा पॉजिटिव। अच्छा एक को पॉजिटिव करना है मतलब एक माइनस की जरूरत पड़ेगी, तो मैं क्या करूंगा एक नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दूंगा। जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा x - 5 x - 10 और ये हो जाएगा x - 3, तो ये लेस देन इक्वल टू 0। अब पहले की तरह सॉल्व कर लोगे, क्लियर, सेम पहले की तरह सॉल्व कर लोगे। ऐसे क्वेश्चन अगर ऐसा दिया होता तो x - 5 10 - x और क्या कहते हैं 3 - x और अब आपको पॉजिटिव दिया था। इस बार देखो इसको भी पॉजिटिव करना है, इसको भी पॉजिटिव करना है, इसका मतलब दो नेगेटिव जरूरत पड़ेगी, और दो नेगेटिव मिलकर क्या बनाते हैं एक पॉजिटिव, तो क्या हो जाएगा सिंपल सा इसको आप चेंज करोगे तो कोई फर्क नहीं होगा, ठीक है ना, ऐसा वैसा ही रहेगा ये, क्योंकि दो नेगेटिव से तो ये पॉजिटिव रहेगा, एक नेगेटिव करोगे साइन चेंज होगा, वापस करोगे तो वापस साइन चेंज हो जाएगा। अब नॉर्मल इसका आंसर लिख सकते हो आप, कर सकते हो ना भैया, ठीक है, क्या सचिन कर सकते हैं ना, हाँ बिल्कुल ठीक है, बोलते ना आप लोग, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, हो जाएगा रुद्र, क्लियर बेटा इसको। चलो तो ये आपने सिंगल वाले पढ़ लिया, देखो एक और कंसेप्ट क्या आता है पावर वाला कंसेप्ट, एक और आता है कि अगर मुझे क्वेश्चन ऐसा दिया हो तो x - 3 का स्क्वायर, ठीक है, और x - 3 की पावर 3 दिया हो और ग्रेटर देन इक्वल टू दिया हो, तो इसका अगर अपन विभिन्न बनाएंगे माइनस इनफिनिटी, तो यहां से कितना ये चलो 4 ले लेते हैं, तो ये कितना आया 3, ये कितना आया 4, तो ये लिखा 3 ये 4। अब देखो एक चीज ध्यान रखनी है, इस वाले फैक्टर की पावर क्या दी हुई है इवन, इस वाले फैक्टर की पावर क्या दी हुई है ऑड, राइट। देखो स्टार्ट तो यहीं से करना है प्लस, अब रूल सुनना, अगर किसी फैक्टर की पावर इवन हो 2, 4, 6, 8 हो तो साइन क्या होगा विभिकर्म में चेंज नहीं होगा, वापस सुन लो 2, 4, 6 होगा तो साइन चेंज नहीं होगा, लेकिन ऑड जैसे 1 हो 3 हो 5 हो 7 हो तो साइन क्या करना है चेंज करना। कैसे देखो जैसे 4 इस पहले सबसे पहले देखो प्लस यहां पे लगा दिया 4 को, देखो 4 को पावर क्या दी है 3, 3 क्या होता है ऑड इवन ऑड, तो प्लस का क्या करना है माइनस करना है। अब 3 को चलो 3 को पढ़ देखो 3 को पावर कैसे दी है इवन, तो माइनस का क्या रहेगा माइनस ही रहेगा, क्लियर, ठीक है। अब मुझे क्या चाहिए था, देखो मुझे क्या चाहिए था ये एक्सप्रेशन मुझे क्या चाहिए था, इसकी तरफ मुख ला पॉजिटिव चाहिए नेगेटिव ही चाहिए, तो ये वाला इधर लेंगे नहीं लेंगे अपन सिर्फ ये वाला लेंगे, तो फाइनल से क्या आ गया 4 से इनफिनिटी। एक और क्वेश्चन देखना, जैसे मान लो ये दिया हुआ x - 2 की पावर 3 x - 3 की पावर 4 x - 5 की पावर 6 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है ध्यान रखना, ठीक है, इस टाइप क्वेश्चन आता है तो ऐसे करना पड़ेगा अपन को। तो माइनस इनफिनिटी इनफिनिटी, सबसे पहले इसके फैक्टर निकालो क्या आएगा 2, 3, 5 आएगा, ये हुआ 2 ये हुआ 3 ये हुआ 5, क्लियर। अब देखो यहां से स्टार्ट करोगे प्लस, अब 5 को देखो सबसे पहले 5, 5 के ऊपर पावर क्या दी हुई है इवन, इवन है गॉड इवन है, तो साइन चेंज नहीं होगा मतलब प्लस का प्लस ही रहेगा। अब 3 को देखो, 3 को देखोगे तो 3 की पावर क्या दी हुई है 4, इवन दी वापस क्या रहेगा प्लस का प्लस, मतलब साइन चेंज नहीं होता इवन में ध्यान रखना। अब 2 को देखो 2 पर क्या दी हुई है ऑड, तो ऑड में क्या होता है प्लस का माइनस होगा, ठीक है। अब अपन को क्या चाहिए था बेसिकली पॉजिटिव चाहिए था, पॉजिटिव इक्वल टू 0, कहां का पॉजिटिव आ रहा है देखो यहां से लेकर यहां तक पूरा पॉजिटिव आ रहा है, तो आंसर कितना आ जाएगा फाइनली पूरा लिखो 2 से लेकर इनफिनिटी, बात समझ में आई क्लियर है, ये चीज क्लियर होगी। चलिए तो ये था विभिकर्म मेथड। अब एक और चीज आती है, एक और चीज कौन सी आती है देखो एक आता है अपना अपने क्वाड्रेटिक का देख लेते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, ठीक है। तो सबसे पहले जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करें तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे लिखते हैं अपन भाई, ax² + bx + c,
राइट ऐसे लिखा जाता है। अब आपने बहुत छोटी क्लास में पढ़ा होगा कि अगर इसका डी जीरो से बड़ा होता है उसके रूट्स क्या होते हैं रियल, और डी लेस देन जीरो होता है तो उसके रूट्स क्या होते हैं इमेजिनरी, और डी क्या होता है आपका डी होता है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। अब थोड़ी हायर बात करते हैं राइट। देखो फर्स्ट केस है कि कोई क्वालिटी का अगर ए पॉजिटिव हो तो डी लेस देन हो, तो याद रखना आपको क्वालिटी हमेशा क्या होती है, क्या होती है पॉजिटिव होती है, क्या होती है पॉजिटिव होती है। मैंने एग्जांपल दिया था पीछे सेकंड, अगर ए नेगेटिव हो और डी नेगेटिव हो तो आपका ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी कोई भी क्वालिटी क्या होगी हमेशा नेगेटिव होगी। एग्जांपल मैंने पीछे दिया था वो देख लेना ठीक है, क्लियर है कि हमेशा पॉजिटिव। और अगर डी पॉजिटिव हो अगर ये वाला केस हो तो उसके फैक्टर हमेशा होंगे, ध्यान रखना फैक्टर होंगे, लेकिन इन दोनों केस के अंदर, इन दोनों केस के अंदर फैक्टर नहीं होंगे ध्यान रखना ठीक है। इसके अंदर बस इतना ही सॉल्व करना है। फॉर एग्जाम्पल देखो बहुत ही ध्यान से करना क्वालिटी वाले केस, देखो जैसे मान लो मुझे क्वेश्चन दिया हुआ ऐसा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस नाइन ठीक है बेसिकली नाइन, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, मतलब सबसे ज्यादा जो पूछा जाता है ना वो ये केस पूछा जाता है। क्वालिटी दिखते ही सबसे पहले क्या करना है आपको डी निकालना, क्या करना है दिमाग में सबसे पहले डी निकालना है, डी निकाल के चेक करना अगर डी लेस देन जीरो आ जाए तो दो केस याद रखना है, क्या इसका ए पॉजिटिव है क्या ए इसका लेस देन जीरो है राइट है। तो सबसे पहले इसका डी निकालो, इस वाले का डी निकालो तो डी कितना आएगा वन माइनस थर्टी सिक्स कितना आया माइनस थर्टी फाइव विच इज नेगेटिव राइट है। अब डी नेगेटिव आते हैं आपके दिमाग में दो चीज आनी चाहिए कि ए क्या है सर इसका ए पॉजिटिव की नेगेटिव है। अब इसका ए देखो क्या है ए कितना है वन है ना तो ए तो क्या हो गया पॉजिटिव। तो थ्योरी के हिसाब से क्या होता है अगर किसी क्वालिटी का डी लेस देन जीरो और ए पॉजिटिव तो वो क्वालिटी हमेशा पॉजिटिव होती है चाहे कोई भी नंबर रख लो, तो इनके लिए कोई भी विविकल्प नहीं बनता है। इसका आंसर सिर्फ क्या होता है ऐसे केस में आंसर क्या होता है या तो आर होगा, क्या होगा या तो आर, आर मतलब सारे रियल नंबर, और या तो फाइव होगा क्योंकि ये ऑलवेज पॉजिटिव, मतलब आप एक्स की कोई भी वैल्यू रख दो ये हमेशा क्या आएगी पॉजिटिव आएगी, कभी भी नेगेटिव नहीं आ सकती क्लियर। तो मैं सिंपल देखो इसकी वैल्यू मेरी थ्योरी क्या बोलती है, मेरी थ्योरी बोलती है कि इसकी वैल्यू सिर्फ पॉजिटिव आएगी और इसने मुझे क्या पूछा है कि सर पॉजिटिव वैल्यू निकालो, तो इसमें विविकल्प नहीं बनाना है सीधा से क्या लिखना एक्स बिलोंग्स टू आर। एक और क्वेश्चन देखो जैसे बोल ऐसे दे दिया एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस नाइन, आपको देखते पता चल जाना चाहिए देखो यहाँ पर इसका डी निकालो तो डी कितना आएगा नेगेटिव, ए क्या इसका पॉजिटिव, तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि सर ये तो ऐसा केस होता तो क्या होता अपनी क्वालिटी क्या होती है हमेशा पॉजिटिव होती है, हमेशा मतलब एक्स की सारी वैल्यू पर क्या होती है पॉजिटिव होती है। लेकिन ये तो आपको बोल रहा है कि सर नेगेटिव वैल्यू के लिए एक्स निकालो, तो आप बोलेंगे ऐसा पॉसिबल नहीं है नेगेटिव हो ही सकती है, आप कोई भी वैल्यू इसमें पुट कर दो ये हमेशा क्या होगी पॉजिटिव होगी, तो अपन क्या बोलेंगे इसका आंसर क्या होगा सर ऐसी कोई वैल्यू नहीं है, मतलब अपन क्या बोलेंगे फाइन। मतलब यहां बेसिकली इस टाइप के क्वेश्चन के अंदर विविकल्प भी फेल हो जाता है, इसके अंदर अपन को दिमाग लगाना पड़ेगा क्लियर मेरी बात समझ में आई। तो x belongs to 5 देखो अब ऐसा क्वेश्चन पूछे देखो डी का खेल है बस डी का डिस्क्रिमिनेंट का, जैसे मान लो ऐसा क्वेश्चन दे दिया अब आपको ऐसा बोल दे तो सबसे पहले दो क्वालिटी दी थी डी निकालना है कुछ भी नहीं हो डी निकालना, इस बार डी जो आ रहा है ना इसका वो पॉजिटिव आ रहा है, अब पॉजिटिव आ इसका मतलब इसके फैक्टर होंगे, अब विविकल्प लगेगा जब डी ग्रेटर देन 0 आएगा तो विविकल्प लगाना है, फैक्टर कर लो नॉर्मल ठीक है x plus 2 और x plus 1 greater than equal to 0 फैक्टर करोगे तो minus 2 minus 1 infinite, अब पहले वाला रूल लग जाएंगे प्लस माइनस प्लस अपन को पॉजिटिव चाहिए था आंसर आ गया अपना माइनस इंफिनिटी से लेकर माइनस टू इंक्लूड माइनस वन से इंफिनिटी क्लियर। अब ऐसे क्वेश्चन देते तो देखो अब मैं थोड़ा अच्छा क्वेश्चन कर रहा हूं, देखो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस नाइन एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू और आपको दिया ग्रेटर देन 0, अभी क्वेश्चन आ गया तो समझ लेना कि 80% लड़कों को गलत होगा, क्यों गलत होगा देखो सिंपल सी बात है अगर इसका ए निकालोगे तो क्या है पॉजिटिव और डी क्या है नेगेटिव, इस वाले का डी क्या है पॉजिटिव, देखो ये वाला मे बी 0 हो सकता है बट ये हमेशा क्या होगा पॉजिटिव, इसके फैक्टर हो सकते हैं क्या नहीं फैक्टर हो सकते हैं, तो सारा आंसर किस पर डिपेंड करेगा इस पर डिपेंड करेगा, इस पर डिपेंड करेगा ही नहीं इस पर डिपेंड करेगा, तो इसके फैक्टर कर लो क्या आएंगे देखो फैक्टर कर लोगे एक्स माइनस टू x माइनस वन तो ये आ जाएगा आपके वन टू प्लस माइनस प्लस ठीक है, तो ये इंक्लूड क्लियर अब निकालोगे देखो आप लोग 86 प्रिपरेशन कर रहे हो तो 86 प्रिपरेशन में ऐसे क्वेश्चन जरूर आते ध्यान में ठीक है श्योर ऐसे क्वेश्चन जरूर आएंगे क्लियर। तो इस टाइप के केसेस याद रखना कि d नेगेटिव a पॉजिटिव क्या करना है क्लियर। तो ये बेसिकली अपने सिंगल वाला विविकल्प पढ़ लिया है, अपन डबल डबल वाला पढ़ेंगे जिसके अंदर अपन को दो तीन केस दिया हो तो अपन कैसे विविकल्प सॉल्व करते हैं क्लियर।
ठीक है। तो नेक्स्ट स्टडी है अपने कि अगर अपन को दो इक्वेशन दिए तो क्या सॉल्व करेंगे। जैसे सपोज सपोज सचिन ये दिया हो, ठीक है, दीनदयाल ऐसा दिया हो और दूसरा दिया हो ऐसा, और अपन पूछे इसका कॉमन आंसर क्या होगा, ठीक है। तो अब इस केस में क्या करना है आपको, इसको लिखना x माइनस टू एक्स प्लस टू और ये हो गया ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। इसको देखो इसका फैक्टर क्या क्या हुआ, x माइनस थ्री एक्स प्लस थ्री ग्रेटर देन इक्वल टू। अब इसने बोला इन दोनों की कॉमन वैल्यू क्या होगी, जब दो क्वालिटी देता है इसका मतलब क्या पूछता है अपन से, दोनों की कॉमन वैल्यू क्या होगी, ठीक है, क्लियर। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले इसका विविकर बनाओगे, किसी एक इक्वेशन का विविकर बना दोगे, इसका बनेगा माइनस टू टू प्लस माइनस प्लस, तो ये बोल रहा है। अब क्या करना है, इसी के नीचे इस वाले का विविकर बनाना है और नंबर की क्या करना है, रिलेटिव पोजीशन डिसाइड करनी है। जैसे मैं इसके नीचे बनाऊंगा क्या होगा, माइनस इनफिनिटी यही आएगा, लेकिन यहां से देखो कितना है, ये 3 आ रहा है और ये माइनस 3। अब मुझे बताओ ये माइनस 2 है, माइनस 3 जो होता है माइनस 2 से बड़ा होता है छोटा होता है, छोटा होता है इसका मतलब ये राइट साइड में आएगा, बड़ा होगा तो इधर आएगा, तो माइनस 3 किधर आ रहा होगा, इधर नहीं आ रहा होगा, ठीक है, क्लियर। अच्छा सर आगे देखो, प्लस 3 जो है 2 के बाद क्या आएगा, 3 आएगा, तो ये 2 बड़ा 3 बड़ा ऐसे इधर आएगा, ये देखो अब प्लस माइनस प्लस। लेकिन बट ये अपन क्या बोल रहे हैं, ये वाला एक्सप्रेशन बोला नेगेटिव है, क्या बोल रहा है नेगेटिव, मतलब अपन को क्या करना पड़ेगा, अपन को बीच वाला लेना पड़ेगा, ठीक है बेटा, क्लियर। तो अब कॉमन पार्ट लगाना है, सैंडविच बनाना है इसका, देखो कॉमन पार्ट क्या है, देखो ये यहां से गाड़ी यहां से स्टार्ट होगी तो यहां तक जा रही है, तो यहां तक तो इन दोनों आ रही है, दोनों में कॉमन निकालना है, क्या बीच में से गाड़ी कहीं थी क्रॉस थी नहीं थी, वापस यहां मिली है दोनों, तो बेसिकली तो आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा माइनस 3 से माइनस 2 यूनियन 2 से 3। ये धीरे धीरे आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है ना, मैं इसकी पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा तो आपसे क्वेश्चन करना हो जाएंगे, ठीक है, क्लियर। तीन चार क्वेश्चन इसके बाद करते हैं, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट देखो। जैसे सपोज क्वेश्चन आ जाए x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 ग्रेटर देन 0, ठीक है, और यहां पर क्वेश्चन आपको पूछ ले x स्क्वायर माइनस 5x प्लस आपको बोल दे सॉरी x स्क्वायर माइनस अच्छा ले लेते कुछ 12 ले लेते हैं, ओके क्लियर, ठीक है, रुद्र प्रताप। चलो इसका फैक्टर करें x प्लस 5 x प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसका करें ये हो जाएगा x माइनस 6 x माइनस 2 लेस देन इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसका फैक्टर करो, देखो इसका फैक्टर करो क्या आएगा, माइनस इनफिनिट इनफिनिट देखो माइनस 5 माइनस 1 प्लस माइनस प्लस, पॉजिटिव लेना है पॉजिटिव लेना। अब एक बना दोगे कोई भी बना दोगे इसके क्या आएंगे बेटा 6, तो इसके कितना आएगा 2। अब रिलेटिव पोजीशन डिसाइड करनी है 2 6 देखो ये हो गया माइनस इनफिनिटी ये इनफिनिटी, 2 क्या होता है इन दोनों से बड़ा होता है ना, तो 2 तो कहां आएगा यहां पर नहीं आएगा, अच्छा 6 6 2 से बड़ा होता तो यहां पे आएगा। अब चलेगा देखो, अब ऐसा नहीं बिल्कुल मतलब अच्छा सा बनाना है, सही तो इतना बड़ा हो गया उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। अब देखो इसको क्या चाहिए था, नेगेटिव चाहिए था, इसको चाहिए था नेगेटिव, राइट है। अब बताओ दोनों में कॉमन क्या है, जब आप इसको मिलाओगे तो ये वाला पोर्शन इसके अंदर आ रहा है नहीं आ रहा है, क्या ये आ रहा है, बिल्कुल ये वाला पोर्शन आ रहा है, तो ये हो जाएगा 2 से 6, क्लियर क्लियर है। एक और क्वेश्चन अपन कर लेते हैं, ठीक है ना, फिर ये क्लियर हो जाएगा, फिर अपना विविकर जो है वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। ऐसा दिया हो x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 ठीक है ग्रेटर देन 0, और एक और अपन ले लेते हैं x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 ठीक है लेस देन 0। देखो सबसे पहले d तो निकालना है, अब d की प्रैक्टिस हो जाएगी आपको चल जाएगा पॉजिटिव आ रहा है नेगेटिव आ रहा है, देखो 25 माइनस 16 पॉजिटिव आ रहा है तो निकालना जरूरत नहीं है किसी क्वेश्चन में, लेकिन निकालना जरूर है, क्वालिटी का सबसे पहले क्या करना है d जरूर निकालना है, इन दोनों का d क्या है और इसका भी क्या है पॉजिटिव। अब फटाफट फैक्टर कर लो x प्लस 5 x प्लस 1 सॉरी x प्लस 4 राइट है x प्लस 1 ग्रेटर देन 0, तो इसका क्या बनेगा भाई ठीक है मानो क्या बनेगा इसका माइनस 4 माइनस 1 प्लस माइनस प्लस ठीक है ये बन जाएगा क्लियर। अब देखो इसका बनेगा क्या बनाएंगे x माइनस 5 x माइनस 3 लेस देन 0। अब देखो यहां पर ऑप्शन क्या आ रहा है 5 और 3 आ रहा है, अब इसकी रिलेटिव पोजीशन डिसाइड करो माइनस इनफिनिटी इनफिनिटी 5 और 3 क्या 5 इन दोनों से बड़ा होता है क्या 3 इन दोनों से बड़ा होता है बिल्कुल ये इधर होता है क्या 3 से बड़ा 5 होता है बिल्कुल प्लस माइनस प्लस इसमें क्या चाहिए था नेगेटिव नेगेटिव मतलब ये बट इस बार बेटा इंक्लूड नहीं है देखो ये भी इंक्लूड नहीं है क्योंकि ब्रैकेट कैसे आ रहे हैं ऐसा आ रहा है ना तो इस बार क्या करें कॉमन तो आएगा लेकिन इतना ही आएगा तो ये आपका फाइनल आंसर ठीक है। तो ये था विविकर मेथड बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड था
इससे अपन क्या करेंगे, फंक्शन पूरा टॉपिक कर पाएंगे। उसमें जो डोमेन है रेंज निकालना है वो सिर्फ इसी से पॉसिबल होगा। तो ये अगर आपको समझ में आ गया मतलब सबको समझ में आ जाएगा, ठीक है, क्लियर। चलो थैंक यू। अरे क्या है?